हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। बहुत ही महत्वगढ़ के जाने माने खान सर, जी हाँ, आप सभी के चहेते खान सर छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों का दिया साथ और उनके लिए उठाई डिजिटल मांग, क्या है पूरा मामला विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। इसके अलावा 33,000 शिक्षक भर्ती पर पूरे भारत में 2,00,000 से अधिक ट्वीट होने पर कहीं ना कहीं हड़कंप तो मचने की शोर जोरों शोरों से है, क्या है पूरा मामला विस्तार पूर्वक बातचीत करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ में युक्तिकरण नामक एक वायरस जो है वो चारों तरफ फैल चुका है और जिससे बेरोजगार अभ्यर्थी ही नहीं साथ में कर्मचारी संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध का कारण तो अनेक है, परंतु हम इस पूरे मामले को बेरोजगारों से लेकर जोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि चूंकि आप सभी जानते हैं ये युवाओं का चैनल है और युवाओं के मुद्दे पर बात जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने हाल ही में बांग्लादेश के ताजा स्थिति को देख चुके हैं, क्योंकि वहां के छात्रों ने क्या किया और उस छात्रों के द्वारा उस देश की तख्ता पलट हो चुकी है। मतलब आप सोचिए कि युवाओं के, चाहे वो वोट के प्रति आप तख्ती देखे या वोट के साथ साथ आप जैसी आर्थिक मानसिक शारीरिक शक्ति देख सकते हैं युवाओं की, तो युवाओं को नजरअंदाज करना किसी भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। तो देखिए मामला है, आपको बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ में युक्तिकरण से क्या दिक्कत है बेरोजगारों को, समझिएगा। प्रदेश में कम से कम 20,000 से ज्यादा मिडिल और प्राइमरी स्कूल है। वर्तमान में मिडिल स्कूल का जो सेटअप है वो एक प्रधान प्राध्यापक और 4 शिक्षक की सेटअप है। इस सेटअप को परिवर्तित कर अभी जो शायद सरकार के द्वारा 1 हेडमास्टर और 3 शिक्षक कर दिया है, जिससे हर स्कूल में एक पद हमेशा के लिए स्कूल शिक्षा विभाग से खत्म हो जाए। अब सुनिए, यही सेम चीज प्राइमरी स्कूल के सेटअप से भी किया गया। वहां वर्तमान में 1+2 का सेटअप है, इसको चेंज करके 1+1 का सेटअप कर दिया, जिससे प्राइमरी स्कूल का भी एक पद समाप्त हो जाएगा। इस हिसाब से लगभग लगभग 20,000 पद एक झटके में खत्म, एक झटके में वो पद खत्म हो गए। अब उस पद में ना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो सकता ना प्रमोशन हो सकता। दूसरा देखिए, इसके साथ ही ऐसे स्कूल जिसमें बच्चों की संख्या 10 से कम हो वो स्कूल पूरी तरह बंद कर दिए जा रहे हैं। 10 से कम बच्चे वाले स्कूल की संख्या कम से कम 4,000 के आसपास बताई जा रही है। स्कूल बंद होने से स्कूलों का सभी पद हमेशा के लिए शिक्षा विभाग खत्म कर देगा, इसमें से कम 12,000 पद समाप्त हो जाएंगे। इस तरह टोटल अगर हम बात करें 20,000+12,000, ऐसा करके 32,000 पद शिक्षकों के एक साथ खत्म कर दिए गए। इससे भविष्य में न तो प्रमोशन हो पाएगा और न ही भर्ती आ पाएगी। साथ ही साथ स्कूल बंद होने से यहां पे काम करने वाले रसोई स्वीपर भी बेरोजगार हो जाएंगे। मध्यान्ह भोजन चलाने वाली समिति से भी इसका काम छीन लिया जाएगा। स्कूल बंद होने से बच्चों को कम से कम 1 किलोमीटर दूर के स्कूल जाना पड़ेगा, जो कि प्राइमरी के बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं। इन सभी तथ्यों से यह साबित होता है कि इस प्रक्रिया का प्रभाव न सिर्फ टीचर पर पड़ेगा, परंतु बच्चों पर, स्वीपर पर, रसोइयों पर, मध्यान्ह भोजन समिति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। युक्तिकरण करने से सभी को आर्थिक और सामाजिक सभी प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ेगा। इस कारण सरकार से अनुरोध है कि युक्तिकरण न करके जो चल रही है चीजें उनको चलने देना चाहिए। जैसे अतिशेष शिक्षक है तो भले अतिशेष शिक्षक को शिक्षक विहीन और जो यहाँ पे कम शिक्षक है वहां पे जरूर भेजा जाए, लेकिन नई शिक्षक जो भर्ती है वो जरूर किया जाए। इससे सारी चीजें कहीं ना कहीं सारी चीजें खराब होती नजर आ रही है। दूसरी तरफ इसी की मांग को लेकर आज छत्तीसगढ़ के बेरोजगार DEd/BEd संघ के द्वारा लगभग 2,00,000 से अधिक ट्वीट, छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हुआ होगा जब किसी भर्ती की मांग को लेकर इतने बड़ा ट्वीट किया गया हो और लगभग 2,00,000 से अधिक लोगों ने छत्तीसगढ़ में टीचर भर्ती की मांग के लिए ट्वीट किया। ये अपने में ही एक बहुत बड़ा एक प्रकार का मुद्दा बनते नजर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जब लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, तो उसमें 33,000 शिक्षक भर्ती, 57,000 शिक्षक भर्ती का उल्लेख था उनके घोषणा पत्र में, परंतु
जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती गई ये सारी चीजें खराब होती गई और इसी वजह से ये पूरा मामला चला गया, पूरे एक सेंट्रल लेवल एक मुद्दा बन गया और छत्तीसगढ़ बेरोजगारों का जो ये ट्विटर अभियान था, ट्विटर कैंपेन था, कि कहीं हद तक सफल साबित होते नजर आ रहा है, क्योंकि लगभग 2 लाख लोगों ने इसके लिए जो ट्विटर अभियान है उसके लिए कहीं ना कहीं ट्वीट किया और अपनी बातों को सेंट्रल लेवल पे रखा। और सबसे आश्चर्यजनक बात ये रही कि छत्तीसगढ़ में जो भारत के जाने माने टीचर है, जिनको आप सभी खान सर के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी इस चीज के लिए ट्वीट कर दिया और उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा कि एक बेरोजगार युवक को पता नहीं होता उनके भविष्य का सरकार कब भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करेगी, 33,000 की शिक्षक भर्ती करें, धन्यवाद सीजी वांट टीचर वैकेंसी करके उन्होंने ट्वीट किया। तो और इसका एक प्रकार अगर हम गारंटी की बात करें कि हाँ भाई ये खान सर के द्वारा ही है, तो देखिए छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ ने ये खुद पुष्टि की कि खान सर जीएसएन रिसर्च सेंटर पटना वाले के ट्वीट को देखकर छत्तीसगढ़ के बाकी जो अन्य लोगों के बारे में बताया गया है। लेकिन मामला यह है कि उन्होंने कह दिया कि भैया खान सर ने ट्वीट किया है छत्तीसगढ़ के बेरोजगार डीएड बीएड संघ के लिए 33,000 शिक्षक भर्ती के लिए। तो अब ये फिलहाल मुद्दा आगे क्या रुख लेगा, लेकिन इतना है इस प्रकार की ट्विटर कैंपेन से कहीं ना कहीं प्रशासन हरकत में आएगा और प्रशासन में कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं वो प्रभाव इफेक्ट बहुत हद तक डालेगी, क्योंकि ये जो मुद्दा है अब सेंट्रल लेवल बनता जा रहा है। जहां तक आप देखेंगे कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जब कोई भर्ती नहीं निकलती तो इसी प्रकार की चीजें जो है वो लगाई जाती है और कहीं ना कहीं उनकी मांग जो है शासन प्रशासन पूरी करती है। तो आशा है, क्योंकि आज एक प्रकार का 11 अगस्त है और अभ्यर्थियों को आशा है कि 15 अगस्त तक उनका नोटिफिकेशन उनके हाथों में होगा। फिलहाल देखने वाली बात है कि सरकार इस पर क्या रुख अजमाती है और लेती है और क्या इससे सरकार पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे। साथ में अगर ये वीडियो बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, ताकि सारे भाई बहनों तक ये वीडियो जो है वो पहुंचे और सभी लोगों को छत्तीसगढ़ की स्थिति वस्तु स्थिति का पता लग सके। फिलहाल आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां कमेंट कर सकते हैं।